उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को आलमबाग के मवैया ब्रिज से बाइक सवार बदमाश किराना व्यापारी नीरज गुप्ता से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि नीरज गुप्ता एक किराना व्यापारी हैं जो घर से खरीदारी करने के लिए निकले थे, जिस वक्त ये वारदात हुई। व्यापारी द्वारा लूट का विरोध करने पर बाइक सवार एक बदमाश ने व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी और फिर पैसे लूट कर भाग निकले। फिलहाल व्यापारी की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने लूट की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस वारदात पर बंगला बाजार निवासी नीरज गुप्ता ने बताया कि उनकी शैलेंद्र जनरल स्टोर के नाम से एक दुकान है, जिसके लिए वे मंगलवार दोपहर को दुकान का सामान खरीदने के लिए यहियागंज के लिए निकले थे। मवैया ओवर ब्रिज पर चढ़ते ही बाइक सवार दो युवकों ने उनका पीछा करने लगे थे और फिर उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया। आगे नीरज कहते हैं कि बदमाश के चेहरे खुले हुए थे। बाइक पर पीछे बैठा युवक तेजी से उतरा और उन्हें गाली देने लगा। आगे नीरज कहते हैं कि बदमाशों के चेहरे खुले हुए थे जहां बाइक पर पीछे बैठा युवक तेजी से उतरा और उन्हें गाली देने लगा। फिर गाड़ी ठीक से न चलाने की बात कहकर लुटेरे ने स्कूटर पर टंगा रुपयों से भरा थैला उठाकर भागने लगे, जिसका विरोध करने पर एक बदमाश ने तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी दी और रुपयों से भरा थैला लेकर भाग निकले। 3 बजे वे यहियागंज मंडी जा रहे थे तो उनकी एक्टिवा को थाना आलमबाग के अंतर्गत मवैया ओवरब्रिज पर रुकवा कर दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा तमंचा दिखाकर धमकाते हुए उनके द्वारा ले जाया जा रहा झोला छीन लिया गया। उसमें उनके रुपए रखे हुए थे। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना आलमबाग पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा घटना के अनावरण हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, डीटी।